जीवन एक परिक्रमा की तरह होता है, गोले की तरह ही मानव जीवन है। जीवन भी जैसे गोला घूमता है या चक्र घूमता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी घूमता है। वैसे तो जीवन में बुरा समय, अच्छा या फिर दोनों मिलाजुला समय आता रहता है। कभी दुख भरा जीवन आता है तो कभी सुख भी आते हैं। अक्सर हमारा जीवन बदलता रहता है, जिसके चलते काफ़ी कुछ हमको अलग अलग तरीके से दिखता है। इन सब का मुख्य कारण ग्रहों की चाल होता है। जैसे जैसे ग्रह बदलते हैं तो मनुष्य की जिंदगी भी बदल जाती है। इसी चाल के कारण हम लोग अपने जीवन में कई बदलाव देखते हैं। आपको बता दें, अब कुछ शुभ ग्रह के चलते इन दो राशि को थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले 24 घंटों तक इनको सावधानी के साथ चलना होगा। कोई भी समस्या इनको जीवन में हो सकती है। बता दें, कुछ ऐसे ही अशुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए ये राशि वाले लोग थोड़ा सा सावधान हो जाएं तो बेहतर होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों का तबादला हो सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में नुकसान हो सकता है, या फिर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप इस समय कोई भी पैसा किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर होगा। वहीं आपको काम में भी नुकसान हो सकता है। ज़्यादा मेहनत का फल भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में कम मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा धन हमको प्राप्त होने लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब भी उसका फल नहीं मिलेगा। ये 24 घंटे आपके लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी के साथ कुछ काम करने की ज़रूरत है। आप थोड़े उतावलेपन में ना आए, इस कारण आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए आप अगर आप सावधानी के साथ अपना जीवन जिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आइए जानते हैं आखिर कौन सी है वो राशियाँ। वो राशि है कर्क और वृश्चिक राशि। 69 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।